मोदी सरकार दे वल्लों अज तो कौमी राजमार्गां दे उत्ते टोल प्लाजा लैणे शुरू कर दित्ते गए ने। बेशक ट्रांसपोर्टां दे वल्लों इस गल दा विरोध किया जा रहा सी, पर विरोध के बावजूद भी सरकार ने टोल प्लाजियां तो उगराही दे हुकम दित्ते ने। दूजे पासे पंजाब सरकार ने अजे तक 3 मई तक कोई भी वसूली करन दा फैसला ना किया। उन्हां दा कहना है कि किसी भी टोल प्लाजा दे उत्ते वसूली नहीं की जाएगी। उधर पंजाब दे लोक निर्माण मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने भी 3 मई तक इस म्याद नूं वधा दिता है कि पंजाब दे विच 3 मई तक किसी भी टोल ते वसूली नहीं की जा सकती। पंजाब सूबे के अधीन तकरीबन 23 टोल प्लाजे आते हैं। हालांकि केंद्र सरकार के हुक्मों तो बाद NHAI अधीन आते टोल प्लाजियां ते अज तो उगराही शुरू हो गई है। उधर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के वल्लों पंजाब सरकार तो मांग की गई थी कि जरूरी समान की ढोआ ढुआई लई 20 अप्रैल तो मुड़ सड़कों से उतरन वाले ट्रकों तो टोल वसूली बंद की जाए। तो सारे राज्यों की सरकार ड्राइवर की सेहत का ख्याल रखते हुए सैनिटाइजेशन का प्रबंध जरूर कर। चलद जिथे भारत मुकम्मल तौर पर बंद से, तो 20 अप्रैल तो जरा मोदी सरकार वालों नैशनल हाईवे खोल दिए गए हैं। नैशनल हाईवे से बने हुए जो टोल प्लाजे हैं वो कल अज तो जोड़े खुल गए हैं, तो उत्थे उगराई जी शुरू कर दी गई है। जेकर असी पंजाब सरकार की गल करिए, पंजाब सरकार के लोक निर्माण मंत्री विजय सिंगला वालों जी है ये टोल प्लाजे खोलन की अथॉरिटी नहीं दी गई। तस्वीर तुम देख रहे हो श्री आनंदपुर साहब के नाल लगते कीरतपुर साहब टोल प्लाजे दियाँ, जो कि अज भी बंद है, इतने उगराई नहीं की जा रही। जेकर असी गल करिए ट्रांसपोर्ट की, जोड़े ट्रांसपोर्ट के विभाग के नाल संबंधित जोड़े ड्राइवर ने वो इतों पंजाब सरकार वालों जो मंडिया की ढो ढुआई करते हैं, पर जो नैशनल हाईवे पर जाते हैं उत्थे उन्हां दी जोड़ी उगराई की जा रही है, उन्हां तो टोल लिया जा रहा। पर जोड़े राज सरकार वालों है वो जोड़े टोल प्लाजे नहीं ले जा रहे। पर जेकर असी कौमी प्रधान दी गल करिए, उन्हां वालों यह कहा गया भी जिहड़ी ड्राइवरां दी जिहड़ी सुरक्षा ते यकीनी बनाई जावे, ते इन्हां दा जिहड़ा सैनिटाइजर दा प्रबंध किया जावे, ते इन्हां दा बीमा किया जावे। हुण देखना होवेगा सरकार वालों अगे की उपराले किए जाण। कैमरामैन मनप्रीत दे नाल जगदेव सिंह दिलवर, श्री आनंदपुर साहिब।